हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल पंडित, आप देख रहे हैं न्यू केक वाला। आज हम आप लोगों को बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल, आई मीन चॉकलेट गनास किस तरीके से बनाते हैं, उस रेसिपी को आज हम बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर, बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल हमें बनाना सिखाइए। तो उसी टॉपिक पे इस वीडियो को हम बना रहे हैं। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यू केक वाला को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। तो आइए, आज हम बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल, या जिसको हम चॉकलेट गनास बोलते हैं, उसकी रेसिपी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 2 किलो का क्रीम है, रिच कंपनी का ट्रूफुल बेस। इस क्रीम से हम चॉकलेट गनास को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमको गर्म करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं, क्रीम इसको पहले इस डब्बे में डाल देंगे। देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास प्लास्टिक का डब्बा था, हम उसमें ये जो क्रीम है वो पूरा डाल दिए हैं। और हम इसको मैक्रो ओवन में गर्म करेंगे। एक्चुअली हम लोग जो चॉकलेट गनास बनाते हैं वो मैक्रो ओवन में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम गर्म होने के लिए लगा देते हैं, तब तक हमारा जो क्रीम है वो गर्म हो जाएगा। तो देखिए, हम मैक्रो ओवन को ओपन कर दिए हैं। इस क्रीम को हम इस मैक्रो ओवन में डाल देंगे। ये देखिए, हम लगा दिए हैं क्रीम, इसको बंद करके इसको मैक्रो ओवन को हम स्टार्ट करेंगे। तो कम से कम 20 या 25 मिनट का टाइम सेट करेंगे इसमें। तो हम टाइम सेट कर लेते हैं पहले। ये देख पा रहे हैं, इसको हम टाइम 25 मिनट का सेट कर देते हैं। 25 मिनट में लगभग जो मेरा क्रीम है वो प्रॉपर गर्म हो जाएगा। तो हम 25 मिनट का टाइम सेट देख पा रहे हैं कि 25 मिनट का टाइम हम सेट कर दिए हैं। और इस मैक्रो ओवन को फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, मेरा ओवन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिर क्रीम जब तक मेरा गर्म हो रहा है, तब तक हम चॉकलेट तोड़ लेते हैं। तो मैं ये मोर्टे कंपनी का डार्क कंपाउंड यूज करता हूँ। तो 2 किलो का क्रीम था, उसमें हम 1 किलो चॉकलेट लेंगे। ये डार्क कंपाउंड है मोर्टे कंपनी का, मैं ये चॉकलेट कंटिन्यू यूज करता हूँ, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है। तो इस चॉकलेट को हम तोड़ लेंगे। तो पैकेट हमको ओपन करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं, पैकेट को हम खोल लेते हैं। ये देखिए, एक पैकेट खोल लिए, सेम उसी प्रकार ये दूसरा पैकेट भी हम खोल लेते हैं। देखिए, दोनों कंपाउंड को हम ओपन कर लिए। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़े हमको करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो चॉकलेट है वो बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा क्रीम में। तो इसको जितना छोटा टुकड़ा आप कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो हम इसको और छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं। तो जैसे इसको हम इस तरह से चॉकलेट को पूरा कटिंग कर लेंगे। तो पूरा ये चॉकलेट जो है हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कर लेते हैं। सारा चॉकलेट हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। जितना बारीकी से आप तोड़िएगा उतना अच्छा आपका चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट का गनास बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये बेकरी स्टाइल है, बहुत सारे बड़े बड़े बेकरी में इसी रेसिपी से चॉकलेट ट्रूफुल को बनाते हैं और फिर वो केक के ऊपर टॉपिंग करते हैं। तो आप देखते होंगे कि बेकरी का जो केक चॉकलेट केक रहता है, कितना टेस्ट रहता है। तो आज हम वही रेसिपी को बता रहे हैं। आप चाहे तो घर पे, अगर मैक्रो ओवन नहीं है तो
गैस के ऊपर बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो चॉकलेट हम तोड़ के रखे हैं, इसको इस स्टील का बर्तन है, हम इसमें उठा लेंगे पूरा। तो आप देख पा रहे हैं इस चॉकलेट को हम पूरा इसमें डाल देते हैं। और भी चॉकलेट है, इसको भी तोड़ लेंगे जब तक हमारा क्रीम गर्म हो रहा है, तब तक ये हम सारा चॉकलेट को पूरा तोड़ के उस बर्तन में डाल देंगे। और फिर हमारा जब क्रीम गर्म हो जाएगा तो अब हम उस क्रीम को इस चॉकलेट में डालेंगे और बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये जो मैं क्रीम यूज कर रहा हूँ वो क्रीम अगर नहीं है तो मार्केट में अमूल क्रीम का पैकेट मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं यही सेम रेसिपी में, सिर्फ क्रीम डिफरेंट रहेगा। बाकी जो चॉकलेट गनाश जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा उससे भी, अमूल क्रीम से हम लोग दोनों यूज करता हूँ, अमूल क्रीम से भी बनाते हैं। और ये जो रिच कंपनी का मैं ट्रूफुल बेस दिखाया जिससे मैं भी बना रहा हूं उससे भी बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना चॉकलेट हम लिए थे 1 केजी, ये पूरा हम तोड़ चुके हैं, छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। और ये पूरा जो चॉकलेट है इस बॉल में हम रख दे रहे हैं। अभी हमारा जो क्रीम है वो गर्म होने में बहुत टाइम है, अभी 19 मिनट ऐसा बचा है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मैं टाइमिंग 25 मिनट का सेट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम क्रीम को बाहर निकाल के देख लेते हैं कि हमारा क्रीम गर्म हुआ कि नहीं। वो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्रीम है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। देखिए किस तरह से जो क्रीम है वो उबल रहा है, तो इससे हमको मालूम चल रहा है कि मेरा जो क्रीम है वो गर्म हो चुका है। तो ये जो क्रीम गर्म हुआ है तो हम इस चॉकलेट जो तोड़ के रखे हैं उसमें डाल देंगे। आप ये देख पा रहे हैं हम इसको इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए पूरा हम डाल दिए हैं क्योंकि हमारा जो क्रीम है बहुत बढ़िया से गर्म हो चुका था। अब इसको जो है वो धीरे धीरे इस आइसिंग पट्टी के सहारे हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको करीबन 10 मिनट तक इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि हमारा जो चॉकलेट था वो कंप्लीट इसमें क्रीम में मिक्स हो जाए प्रॉपर, किसी तरह का टुकड़ा इसमें ना बचे। तो आपको बहुत ही कंप्लीट से इसको चलाना पड़ेगा, 10 मिनट तो कंपलसरी लगेगा इसको। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि हम इसको चला रहे हैं, इस तरह से मिक्स करना पड़ेगा। देखिए हम जैसे जैसे क्रीम चॉकलेट को मिक्स कर रहे हैं, एक कलर हमारा देखिए पूरा जो है वो ब्लैक कलर हो चुका है। तो ये था बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल बनाने का रेसिपी। आप इस तरीके से आप अपना घर पे बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और इससे जो केक का जो टेस्ट है चॉकलेट केक का बहुत ही बढ़िया रहता है। आप देख पा रहे हैं कि जो चॉकलेट गनाश में बनाए वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से, देखिए चॉकलेट ट्रफल बना है। आप देख पा रहे हैं पूरा जो हमारा जो चॉकलेट तोड़ के डाले थे एकदम पूरा प्रॉपर इसमें मिक्स हो चुका है। तो ये कंप्लीट चॉकलेट ट्रफल बन के रेडी हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।